हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपको एक ऐसे मिठाई की रेसिपी देने जा रही हूँ जिसे हम बनाने वाले हैं सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से। बिल्कुल ही लो बजट मिठाई रेसिपी है गाइस, जिसमें हम ना तो मावा यूज़ करने वाले हैं, ना ही कंडेंस्ड मिल्क, और ना ही घी, और ना तो ही हम इसमें चीनी यूज़ करेंगे, और ना ही हम इस मिठाई को बनाने में किसी तरह की कुकिंग करेंगे। तो आज की स्वीट की रेसिपी बहुत ईजी और इंस्टेंट रेसिपी है, और साथ ही बेहद लजीज भी है। तो चलिए गाइस, सिर्फ 5 मिनट में बनने वाली इस स्वीट की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे और उसमें मैं ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट। एंड इसे ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर, जो मैंने यहाँ पे ली है 1/2 कप। गाइस, मैं इसमें शुगर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, मैं इसका टेस्ट बिल्कुल ही लाइट रखने वाली हूँ, ज़्यादा मीठा नहीं रखूँगी। इस तरह से बनाने से इस मिठाई की स्वीटनेस वैसी ही रहेगी जैसे कि कलाकंद की होती है, बट आपको इसका टेस्ट हल्का मीठा नहीं पसंद हो तो आप इसमें 4 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी ऐड कर दें। तो दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें घी ऐड कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 1 टीस्पून घी का यूज़ कर रही हूँ, बट ये घी बिल्कुल ही ऑप्शनल है। घी इस मिठाई को एक देसी टच देगा, इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे टोटली अवॉइड कर सकते हैं, एंड ये बिना घी के भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो ये टोटली ऑप्शनल है। इसे चाहे तो ऐड करें या ना करें, आपकी मर्ज़ी। तो इस तरह से हाथों की हेल्प से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। तो अब मैंने यहाँ पे लिया है मिल्क, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 1/4 कप मिल्क लिया है, जिसे मैंने थोड़ा ही डाला है, आधे से भी कम डाला है। इसे हमें सख्त गूंदना है, तो जितना दूध यूज़ हो इसे सख्त गूंदने में उतना ही दूध का यूज़ करें, बाकी बचा लें। तो देखिए, आधा दूध ही यूज़ हुआ है इसे मिक्स करने में, आधा बच गया है। दूध हमें रूम टेम्परेचर का लेना है। दूध हमने बाइंडिंग के लिए यूज़ किया था, तो देखिए ये अच्छे से बाइंड हो रहा है। तो देखिए, डो हमारा रेडी हो चुका है, अब इसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो एक बड़ा पार्ट रखा है मैंने, एक छोटा, ये देखिए, तो छोटे वाले को मैंने साइड कर दिया है। अब यहाँ पे बड़े वाले पार्ट में मैं कलर ऐड करूँगी, तो मैं यहाँ पे लिक्विड पिंक कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो अपने मनपसंद का कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। तो कलर की कुछ बूंदें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब हम इसे फ्लेवर देंगे, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर इसे दिया है। मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी एसेंस का यूज़ कर रही हूँ इसे फ्लेवर करने के लिए। अच्छे से कॉम्बिनेशन जाएगा पिंक और स्ट्रॉबेरी एसेंस का, बट अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपली इलायची पाउडर से भी इसे फ्लेवर कर सकते हैं। तो आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। तो देखिए, बहुत अच्छा सा डो पिंक कलर का तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे बेल लेंगे। तो सबसे पहले पिंक कलर वाले पार्ट को बेल लेंगे हम, तो इस तरह से हाथों से गोलाकार दे दें और धीरे धीरे बेल लेंगे इसे। अगर ये चिपके तो आप थोड़ा सा घी बेलन और चकले पे लगा सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसे सबसे पहले लंबाई में बेल लिया और इस तरह से इसके साइड्स को स्क्वायर शेप दे दिया है। हाथों की हेल्प से इसे अच्छे से शेप दे देंगे। तो ये हमारा रेडी हो चुका है, तो चलिए दूसरे वाले पार्ट को भी बेल लेते हैं इसी तरह से, इसी शेप में। तो हमने ये छोटा वाला पार्ट जो लिया था वाइट कलर का, उसे भी सेम वैसे ही हम बेल लेंगे। तो देखिए, मैंने इसे भी सेम साइज़ का बेल लिया है। इसके साइड्स को भी हाथों से इवन कर लेंगे और अच्छे से इसे भी साइड से स्क्वायर शेप दे देंगे। और अच्छे से इसे शेप देने के बाद जो हमने पिंक कलर का तैयार रखा हुआ था उसे इसके ऊपर प्लेस कर देंगे और इसे हल्का सा ऊपर से दबा लेंगे। तो देखिए, ये रेडी हो चुका है। इसके ऊपर हल्का सा प्रेस देने से ये इजली इसके ऊपर बैठ गया है अच्छे से, बट याद रखें ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है ऊपर से, नहीं तो ये टूट सकता है। तो अब हम इसे 1/2 आवर के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए, ताकि इसके पीसेस हम इजली कट कर पाएं। तो देखिए गाइस, 1/2 घंटा हो चुका है, मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और ये अच्छे से सेट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसके पीसेस भी कट कर लेते हैं। तो मैं इसे लंबे शेप में कट कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं। तो हम हल्के हाथों से इसके पीसेस कट कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इसके पीसेस कट कर लिए हैं और देखिए कितनी अच्छी हमारी मिठाई तैयार हो गई है।
और हमने इसे मात्र 5 मिनट में बना लिया है, वो भी बिना मावा, बिना कंडेंस मिल्क के। और तो और हमने इसमें किसी भी तरह की कुकिंग भी नहीं की है। और देखिए गाइस, बिना किसी खर्चे के, बिना ज़्यादा टाइम लगाए, हमने बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी मिठाई बनाकर तैयार कर ली है। मैंने इसे थोड़े से कटे हुए बादाम और चांदी के वर्क से सजा दिया है, जिससे कि इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गया है। एंड गाइस, ये जितनी देखने में अच्छी है, उससे कई ज़्यादा ये खाने में लाजवाब है, तो ज़रूर ट्राई करें। तो इस दिवाली ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। आई एम श्योर गाइज, ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक बटन को हिट कर दें। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। सो बाय बाय गाइज, सी यू सून ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच।